दिशा को। मैं प्रज्ञा जी से कहूँगा कि आप जो है इस कड़ी को जो है आगे बढ़ाते रहिए, और कुछ लोग जो है अपने बीच में हैं जो कि राजीव गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी के जो सपना जो विज़न है उसके बारे में बताना चाहते हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो लोग आएँ और वो बताएँ। इसमें जो है हफीज़ साहब, हफीज़ आलम साहब जो है अभी अभी उस विज़न से जुड़े, उस मिशन से जुड़े, और आज जो है राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी के टीम में जो है अभी आगे आगे जो है वो काम कर रहे हैं। और आज भी जो है मुझे उन्हीं से पता चला कि जो है राहुल गांधी जी ने आपके लिए जो है धन्यवाद भिजवाया, और उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं आप काम करते रहिए, और वहाँ से आपके लिए पूरा आशीर्वाद है। और माता श्री ने भी, उन्होंने भी खबर भिजवाया उनसे कि जो है आप जो है हफीज़ आलम साहब जो है हम लोग के बीच में अभी उपस्थित हैं, अभी कुछ देर, कुछ टाइम के बाद जो है वो मंच पे आएंगे, अपनी बातों को जो है वो रखेंगे। हम चाहेंगे कि प्रज्ञा जी जो है राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बताएं, और उनके विज़न को जो है वो पढ़ के बताएं थोड़ा सा। मैं बहुत छोटी हूँ उम्र में, जब राजीव गांधी रहे थे तो शायद मैं नहीं थी, मेरे पिता होंगे, मेरे बाबा होंगे, उनके पिता होंगे। जितना इतिहास में पढ़ा है, जितनी एजुकेशन ली है, जितनी चीज़ें समझी हैं, जो मैंने स्कूल में टीचर से सीखा है, जो मेरी माँ ने बताया है, जो मेरे पिता ने बताया है, कि एक बड़ी सोच का नेता, जिसकी सोच सबसे अलग थी, जिसकी सोच देश विदेश हर देश में खुद का परचम लहराने की थी, जिसकी सोच अपने भारत देश का नाम रोशन करने की थी, उसने अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बनाए। हम जब स्कूल जाते हैं तो हम 1, 2, 3, 4, 5 के ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बनाते हैं, वैसे ही राजीव गांधी ने अपनी होनहार माता इंदिरा गांधी से जो शिक्षा दी उसका पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन किया। धाराएं अलग अलग थी, सभी जानते, माफ कीजिएगा मुझे शायद ये बात यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, कि उनके ही एक भाई और भी थे जिनकी सोच उनसे बिल्कुल अलग थी, वही राजीव गांधी जी थे। तो कहते ऐसा नहीं है कि एक माँ दो अलग बच्चों को जन्म नहीं देती, ऐसा नहीं है कि एक माँ दो सोच को जन्म नहीं दे सकती। हो सकता है एक डॉक्टर बनता है तो दूसरा इंजीनियर बनता है, लेकिन दहाड़ एक थी, वो एक माँ की संतान थे लेकिन दहाड़ते एक शेर की समान थे। वो जब घर से निकलते थे तो देश के लिए क्या करना है, बात अलग है कि रुतबा अलग था, सम्मान अलग था, विचार अलग थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के बारे में मैं बताऊं, बहुत बड़ी बुक है, अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद एक घंटा लग जाएगा और आप सब बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। सबको पता है उन्होंने किसान के बारे में सोचा, सबको पता है उन्होंने टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचा, सबको पता है उन्होंने फार्मर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन का पॉइंट ढूंढा, सबको पता है कि उन्होंने देश में इंफॉर्मेटिव तरीके कैसे अपनाने चाहिए वो आयाम जोड़े, सबको पता है कि कैलकुलेशन की न्यूनता क्या है, कैलकुलेशन पॉइंट्स क्या है, हाउ कैन वी आर मैनेज इंडिया, इस पे बैठकर उन्होंने काम किया। धीमे धीमे अपने साथ लोग जोड़ने शुरू किए। मैं इस किताब को पढ़ूं तो इसमें वही आएगा कि ग्रामीण योजना, शिक्षा योजना, ये योजना, सिंचाई योजना, ये योजनाएं सबको पता है और ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड